क्या हाल है दोस्तों। तो आज हमारे पास है मोटरोला का एक मोबाइल फोन मोटो जी 34 5G। तो ये बिल्कुल एक बजट स्मार्टफोन है क्योंकि ये 15,000 के नीचे आता है और इसमें काफी सारी ऐसी चीज आती है जो किसी और मोबाइल में नहीं आती जो 15,000 के नीचे आता हो। सबसे पहली बात 5G, 12,000 से नीचे का इसका प्राइस पॉइंट है और ये 5G लेकर आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेट्स गो टू अनबॉक्स इट। गाइस, इसका डिब्बा कुछ ऐसा है, मतलब स्लिम ट्रिम लग तो रहा है। इसके अंदर चार्जर होगा और मतलब एडेप्टर एंड केबल होगा। लेट्स सी, देखते हैं। मोटो जी 34 5G एंड नीचे मोटोरोला। तो गाइस, एक चीज मैंने नोटिस करी, डॉल्बी एटम्स तो इस प्राइस पॉइंट पे बेसिकली आपको नहीं मिलेगा, बट पता नहीं कैसे मिल गया। लेट्स अनबॉक्स दी बॉक्स फर्स्ट। तो हमारे पास ये क्या बॉक्स एंड ये क्या दूसरा बॉक्स, इसको हम फेंक देते हैं। तो ये मोबाइल निकलता है, पहले मोबाइल लगा लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, एक यूजर मैनुअल तो होगी जो हम पढ़ते तो है नहीं बिल्कुल। ओके, यूजर मैनुअल, मोबाइल गाइड फेंक देते हैं, इसे भी कोई काम की नहीं है। सिम इजेक्टिंग टूल, ओके, इसका भी कोई काम नहीं है। तो बॉक्स के अंदर मिलता है ये 20W का फास्ट चार्जर। बोल तो रहे हैं ये फास्ट चार्जर, बट आई डोंट थिंक सो कि ये फास्ट चार्ज करेगा क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है और 20W का इन्हें चार्जर दिया। कम से कम 40W तो होना चाहिए था ब्रो, इसे तो कॉस्ट कटिंग कहते हैं, तभी तो ये 12,000 का है। जैकेट पैकेट पहना रखिए, इसको ये हटा दे रहे हैं और देखिए इस पर ये 20 और इधर मोटरोला लोगो। ओके, हमारे पास केबल, वैसे क्वालिटी तो अच्छी लग रही है चार्जर और केबल की। केबल हमारे पास है मैट ब्लैक फिनिश में, USB 2 Type-C एंड ये आपका चार्जर। नाइस, तो ये क्या हमारे पास मोटोरोला का Z34 5G। वैसे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिजाइन काफी डिफरेंट है। पीछे आप देखिए व्हीकल लेदर डिजाइन है, और आप कैमरा बम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है डार्क शेड है ग्रीन की, ऑब्वियसली डार्क है, और कैमरा बम बहुत ज्यादा माइनर सा है। और अगर आप कैमरे देखेंगे तो अंदर भी शाइन कर रहे हैं अच्छे से, फ्लैश लाइट भी इधर दी है। काफी यूनिक डिजाइन दिया है इन्हें 12,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मैंने देखा हुआ इनोवेशन आती है 40-50,000 के मोबाइलों के अंदर, बट इस प्राइस पॉइंट पे करना काफी अलग चीज है भाई। इस जगह मैं कहूंगा मोटरोला ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। इसकी काफी अच्छी है, जैसे आप देखेंगे डिस्प्ले इसकी एकदम फ्लैट है, बैक इसका फ्लैट है, और अगर आप यहाँ पे कर्व्स देखेंगे तो मतलब लगता है कि ये 20-30,000 का मोबाइल फोन है, पर है तो 12,000 में है। 50 MP का क्वाड कैमरा, 48 का अपर मेन सेंसर एंड 2 MP का मैक्रो सेंसर, तो मिक्सअप करके 50 हो गया, समझ रहे हो। मोबाइल तो बड़ा सॉलिड लग रहा है। अब इसी बात पे आपको इसकी सारी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर, जो आपको OnePlus Note CE2 Lite 5G में भी देखने को मिलता है। काफी मस्त प्रोसेसर है क्योंकि मेरे पास वाला मोबाइल है एंड उसमें मैं गेमिंग अच्छे से करता हूँ, और 5G नेटवर्क्स तो वाह क्या मस्त आते हैं ब्रो। राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 volume rockers और 1 power button। पावर बटन में आपको सेंसर मिलता है फिंगरप्रिंट का। ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डॉल्बी एटम्स मिलती है, स्पीकर ग्रिल एंड ये टाइप सी चार्जिंग एंड ये माइक्रोफोन और ये 3.5 mm जैक। भाई 3.5 mm जैक कहाँ थे तुम इतने दिनों से ब्रो, आजकल मोबाइलों में नहीं आ रही, ये नहीं आ रहे, बट इसमें भाई दिया है क्योंकि इट्स अ बजट स्मार्टफोन। लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है ये सिम ट्रे। एक साइड पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 50 MP के 2 cameras, एक 48 का और एक 2 MP का, और ये एक फ्लैश लाइट और ये मोटरोला का लोगो। और फ्रंट में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ये पंच होल कैमरा। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है एक सिम ट्रे, इसको भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ये हाइब्रिड सिम का स्लॉट, जिसमें आप एक सिम एक चिप डाल सकते हैं या फिर 2 SIM ही डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, IP52 रेटेड है, मतलब वाटरप्रूफ तो है ठीक ठाक, थोड़ा बहुत पानी झेल लेगा और साथ में डस्ट प्रूफ भी। बस इसको पानी में लेके स्विमिंग पूल में ना घुस जाना, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। बारिश वारिश में लेके आप इसको घूम सकते हो, हल्के हल्के पानी के छपा के झेल लेगा, बाकी कुछ नहीं है। इसमें आपको मिलते हैं 3 color variants, एक ग्रीन, ब्लैक एंड एक ब्लू। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है वीगन लेदर का काफी अच्छा टेक्सचर, पकड़ने में प्रीमियम फील आता है ब्रो। टायर में आपको मिलता है ये एल्यूमिनियम का मेटल फ्रेम, बट एक चीज बताऊं, इसका जो ब्लैक वेरिएंट आता है उसमें वीगन लेदर नहीं आता, उसमें पॉलीकार्बोनेट आता है, मींस प्लास्टिक बॉडी होती है। बाकी ब्लू एंड ग्रीन में
लेदर फिनिश आता है। इसमें ये दोनों टाइप के डिजाइन आते हैं, बट मेरे को पर्सनली ये लेदर वाला डिजाइन ज्यादा पसंद आया। भाई एक और सबसे बड़ी चीज जो 25,000 के मोबाइल फोन में आती है वो फीचर इसमें है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है। 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है इसके साथ, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगा रखा है इसमें। 120 हर्ट्ज इस प्राइस पॉइंट पे नहीं आता, ज्यादातर कंपनी 90 और 60 हर्ट्ज पर ही रहती हैं। डिस्प्ले में हमने बहुत सारी चीजें चलाई, आप देख सकते हो अलग अलग एंगल से एकदम परफेक्ट व्यू आ रहा है इसमें। और अगर आप इसको बाहर ले जाओगे तो आप फुल ब्राइटनेस में देख पाओगे इसमें क्या चल रहा है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं लगी। अब आपको इसके डॉल्बी एटम्स की टेस्टिंग करके दिखा दे रहे हैं। ओ भाई स्पीकर कितना भयंकर है, ड्यूअल स्पीकर है, क्योंकि डॉल्बी एटम्स है ना, ऊपर वाला स्पीकर एंड नीचे वाला स्पीकर सिंक होके एक संग बजते हैं, तो भाई बड़ा भयंकर वाइब्रेशन होता है, मजा आता है। फुल वॉल्यूम पे आवाज फट नहीं रही है, साउंड की क्वालिटी एकदम गिर नहीं रही है, भाई फुल वॉल्यूम पे एकदम मजा आ रहा है गाने सुनने में। भाई सबसे बढ़िया अच्छी लगी मुझे इसकी परफॉर्मेंस, इसका जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G, भाई एकदम तगड़ा प्रोसेसर है। 20,000 के मोबाइल फोन में प्रोसेसर आता है, बट भाई 12,000 में इन्हें दे दिया, भाई सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो भाई इसमें 5G के 13 बैंड्स लगा रखे हैं, और अगर आप ग्लोबली कहीं घूमने जाओगे तो 5G आपको अवेलेबल मिलेगा हर जगह, क्योंकि इसमें 13 बैंड्स हैं भाई 5G के। तो भाई एक्चुअली इसका वेट 180 ग्राम से कम है, काफी हल्का लग रहा है, 179-180 है कुछ अप्रोक्स। इसमें आपको जो फ्रंट में डिस्प्ले मिल रहा है 6.5 इंच का, इसमें आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन लगा रखी है, जैसे गोरिल्ला ग्लास होता है वैसे ही पांडा ग्लास है। बेसिकली दो वेरियंट्स आते हैं, 4/128 और 8/128, मीन्स 8GB रैम और 128GB मेमोरी। वर्चुअल रैम का फीचर भी आता है, जैसे आपने देखा होगा 8+8, 8+6, 8+4, तो आपको 8+8 हाईएस्ट रैम मिल जाती है, मतलब आप इसकी रैम वर्चुअली 8 बढ़ा सकते हैं और इसकी फिजिकल 8 है, तो मतलब 16GB आप इसकी रैम कर सकते हैं। तो भाई ये भी फीचर अच्छा है, बहुत सारे फोनों में आता है, इसमें भी दिया है। एंड्रॉयड 14 के साथ आता है ये वाला मोबाइल फोन, और काफी अच्छा ऑप्टिमाइज कर रखा है मोटोरोला वालों ने इस एंड्रॉयड 14 को अपने मोबाइल फोन के साथ, काफी अच्छी खासी कस्टमाइजेशन कर रखी है मोटोरोला वालों ने इस मोबाइल फोन में। बाकी इसमें मोटोरोला के बहुत सारे गेस्चर मिल जाते हैं, जैसे फ्लैश लाइट ऑन। UI काफी क्लीन है, इसमें फालतू के ऐप दे नहीं रखे, जैसे रेडमी के आप नए मोबाइल खरीदोगे उसमें फालतू के ऐप दे रखे होते हैं, समझ रहे हो ना, फ्लिपकार्ट एंड ये फेसबुक वगैरह पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे एक चीज मुझे काफी तगड़ी लगी, इसमें मोटोरोला का रेडी फॉर करके एक फीचर है जो इसके फ्लैक्सी स्मार्टफोन में आता है, जिससे हम डायरेक्ट स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं विदाउट एनी वाईफाई और किसी और चीज के। भाई ये भी मुझे बहुत तगड़ी चीज लगी। इसमें 128GB की स्टोरेज है, बाकी आप इसमें 1TB का मेमोरी कार्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें UFS 2.2 डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड है। इसमें स्नैपड्रैगन 695 है, वैसे है तो वो बहुत पुराना, 2022 अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था 695, बट तब भी 12,000 के फोन में मिलना इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो। इसमें आपको एक बेसिकली गेम मोड मिल जाता है, जिससे आप इसके FPS वगैरह सेट कर सकते हो और टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो, एंड कोई बेसिक चीज। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है बढ़िया, और देखने में बहुत स्लिम फ्लिम है, लगता नहीं है इसमें 5000mAh की बैटरी है, बट दे रखी है ब्रो। 20W का चार्जर है तो थोड़ा बहुत टाइम फैम लग जाएगा इसको चार्ज करने में, 5000mAh की बैटरी है ना। इसका कैमरा काफी तगड़ा है, मैं आपको इसमें कुछ फोटो वगैरह क्लिक करके दिखा देता हूँ। आपको इसके कैमरे में एक ऑटो एनहांस करके एक फीचर मिल जाएगा, जिससे आपकी फोटो थोड़ी ब्राइट वगैरह हो जाएगी, एंड ये ऑप्टिमाइज करके दे देगा उस फोटो को बेसिकली। बाकी इसमें बेसिकली वही नॉर्मल कैमरा मोड्स हैं जो आपको सारे मोबाइल में देखने को मिल जाएंगे, जैसे वो प्रो मोड एंड डुअल कैमरा मोड वगैरह वगैरह। अगर आप इसके मोबाइल फोन से 50 MP में कोई फोटो क्लिक करते हो और उसके बाद ऑटो एनहांस का फीचर लगता है, तो 10-15 सेकंड ये लगा देता है उस फोटो को हाई क्वालिटी में करने में, बट उससे फर्क पड़ता है, फोटो की क्वालिटी इंक्रीज होती है, कलर्स एनहांस होते हैं, इट वर्क्स ब्रो। ऑल ओवर इस मोबाइल फोन में मुझे कैमरे का एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफी सॉलिड लगी। तो गाइस इसका प्राइस हमें ऑनलाइन पड़ रहा है 11,999 8/128 वाले वेरिएंट का, और 10,999 4/128 वाले वेरिएंट का। वैसे अगर आप लोकल मार्केट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 200-300 रुपये कम मिल जाएगा। फाइनली अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो काफ़ी इम्प्रेसिव स्मार्टफोन लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन लगा मुझे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ें सही कर रहा है, बाकी मुझे इसमें कोई ज़्यादा कमी लगी नहीं।
प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट है ब्रो। और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे कोई स्मार्टफोन लेने आ रहे हो तो डेफिनेटली ये आपका एक ऑप्शन बन सकता है। मेरे को काफी ज्यादा मजा आया इस वाले मोबाइल फोन को रिव्यू करने में, होपफुली आपको भी मजा आया होगा ये वाली वीडियो को देखने में। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तोरा कटदी रहनी है, हसदी रहनी है, तू जो सजदी रहनी है, होर की दिली मेरे।